आप गैरों से नजर मिलाते रहें, आप गैरों से नजर मिलाते रहें, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और आज जैसे मैंने HCF का एकदम खतरनाक तरीका बताया था, बहुत प्यार दिया आपने उस वीडियो को, और 2 दिन में ही 2 लाख पार हो गए थे उस वीडियो का व्यू। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं LCM निकालना, ऐसे ऐसे संख्या 56, 84, 112 का लसा किसी भी तरीके से आप निकालेंगे, आपका दिमाग चकराने लगेगा और काफी समय भी लगता है। तो आज हम आपको आराम से सिखाएंगे और बड़ा कम समय में आपको बन जाएगा ये सवाल, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। हाँ, चाहे आप कितना हो कमजोर क्यों ना हो गणित में। आइए, तो सिर्फ यही सवाल नहीं, ऐसे और सारे सवाल मैं लेके आया हूं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं। छोटा सा काम क्या कर लेते हैं, 1 मिनट कुछ अलग से चीजें हम आपको समझाते हैं, नहीं तो आप 24, 36, 40 का ही लसा बना के देखिए ना, आपको समय लग जाएगा, समय लगता ही है। आइए, आज हम आपको बहुत प्यार से पढ़ाने वाले हैं और बहुत इत्मीनान से। अच्छा, ये वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो में आप सीख जाएंगे। दोस्तों सिंपल सा बात समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कि एक नजर हमने दे 2 है, और 2 के बड़का भाई 4, 4 के बड़का भाई 8, 8 के बड़का भाई 16, 16 के बड़का भाई 32, समझे कि नहीं। आ कोई भोज में निमंत्रण मिला हो इसको, आ कहेगा कि भोज खाने जाना है, सब चले चलना। तो यहां पर क्या होता है कि आप भोज खाने दूर जाना है, तो दूर जाने हैं तो घर में भी लोग कहता है कि ये बड़का भाईवा है ना, उहे चल जाना, छोटका सा ना जाएगा, छोटका के साइकिल चलावे नहीं आता है, तो बड़का जो है जाता है। तो कहने का मतलब कि बड़का अगर इन सब का भाई है तो बड़का पहुंच गया तो समझिए कि हो गया भोज, घर के मुखिया है। तो यह देखिए 32 में 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा, इसलिए LCM 32 हो गया, यानी भोज में कौन पहुंचा, 32 पहुंचा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे समझिए। अगर मान लीजिए 5 है, 5 से बड़ा हुआ, इसके टेबल में पढ़िए, खाली टेबल में देखिए, 5, 5, 9, 10, 5, 3, 15, अच्छा 15 अभी 15 नहीं ले रहे हम, आपको ऐसे बता रहे हैं, 5, 5 के दुगना 10, 10 के दुगना 20, 20 के दुगना 40 है ना, 40 के दुगना 80, 80 के दुगना 160। अगर आपको निमंत्रण मिला हो और भोज में जाना होता, नहीं कहते थे कि दूर भोज है तो बढ़ के भाई जाएगा, भोज खाए हो जाएगा, नहीं, एक के आदमी चल जाना। तो सुनिए इसमें सबसे बड़का कौन है, 160, तो 160 इसका LCM हो जा रहा है। LCM क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 160 में ना 5 भी आ जाएगा, 5 से आप इसको भाग दे के देखिए, 10 भी आ जाएगा, 10 से भाग दे के देखिए, 20 भी आ जाएगा, 20 से भाग देकर देखिए, ये सब आ जाता है, यानी LCM 160 हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 5, 5 दुना 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20 है ना, तो इसमें अगर आपसे कहा जाए कि भाई LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो देखिए तरीका यह है कि 20 में 5 तो होगा, 10 तो होगा, लेकिन 15 नहीं होगा, तो गड़बड़ा गया। अब क्या है कि 5 तो हो गया क्योंकि 20 में है, 10 हो गया क्योंकि 20 जाएगा तो 10 चलिए गया, 5 भी चल गया, लेकिन 15 नहीं जा रहा इसके टेबल में। लेकिन एक बात है कि 5 के एगो भाई इसमें छुपल है, कौन, तो 5, 3, 15 होता है, तो समझिए कि 20 जा रहा है तो 5 चल गया, खाली एगो 3 छूट रहा है, तो 3 कहेगा ए तू सब भाई के बदले तो तू जा ही रहा है, क्योंकि 10 दुना 20 होता है, 5, 4, 20 होता है, 5, 4, 20 होता है, तो 3 कहता है लेकिन हमरो ने होता है हमहू जाएंगे, तो 3 जाएगा एगो 20 जाएगा, 20 गया तो 5, 10, 5 सब चल गया, लेकिन 3 नहीं ना गया, तो 3 जाता है तो 20, 23, 60 आपका LCM हो जाएगा, यानी सब मिला के गया कितना 60 हो गया। तो आप देख लीजिए 60 को सब काट देगा, 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, समझ गए। तो अब एक चीज करना है, करना क्या है, आते हैं सवाल पे, इसको बनाना है, सिंपल काम करना है। देखिए 24 है आपका, 36 है आपका, और 40 है ना, तो
आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ही टेबल में हमको तोड़ना है, इसका ऐसा ही दो गुणन खाना हमेशा तोड़ना है जिसमें कुछ कॉमन न बचे। जैसे या तो उसको तोड़ना है तो दो के पहाड़ा में हो या तीन के पहाड़ा में हो, तीन पांच के पहाड़ा में हो, सात के पहाड़ा में हो, नौ के पहाड़ा में, ऐसे हम तोड़ेंगे। दो तीन पांच सात नौ सब हमने क्या ले लिया है, यहां देखिए दो को छोड़ दे तो ये सारे विषम संख्या ही है। या आप ऐसे समझिए कि दो के पहाड़ा में जैसे इसमें आठ त्रि चौबीस बना सकते हैं, आठ त्रि चौबीस बना सकते हैं, इसमें क्या बना सकते हैं, नौ लेते हैं तो नौ चौके छत्तीस ले लिए। सुनिएगा, ऐसा लिए हैं जिसमें इसमें कोई कॉमन नहीं हो सकता है, जैसे नौ में चार का कोई संख्या नहीं हो सकता, चाहे दो नहीं हो सकता है, ये दो से बना, ये तीन से बना, समझे कि नहीं। चालीस तो आठ पचे चालीस लिख दिए। अब समझिए कि आठ अगर भोज में जा रहा है, आठ जा रहा है तो चारों पहुंच गया तो खाली आठ जाएगा, आठ चार आठ भोज खाने जाता तो आठ आठ चार में केवल आठ जाता हो जाता, क्योंकि चार उसमें ऑलरेडी है तो आठ हो गया। अब तीन और नौ में तो केवल नौ जाएगा, बड़का भाई जाएगा हमेशा भोज खाए, कहा कि साइकिल चलावे बड़के के आता है। अब बचा केवल एगो पांच, तो हो गया गुना कर लीजिए, आठ पचे चालीस, चालीस गुने नौ, नौ चौके छत्तीस, तीन सौ साठ आपका एलसीएम, और वो हो गया ऑप्शन तीन में। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दूसरे सवाल पर आइए और इसको समझ के देखिए, आपको आसान लगने लगेगा। देखिए है ना, आपका है कितना, 26 है, 56 है, 104 है और 182 है ना। तोड़ने का कोशिश करिए, ऐसा गुणनखंड तोड़िए, जैसे मान लीजिए आप इसको 13 दूना 26 लिख सकते हैं, 13 दूना 26, 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 चौका 56, 14 चौके 56, ठीक है। 104 को क्या लिख सकते हैं, 13 अठे 104, 13 अठे 104, 13 के पहाड़ा आता होगा, और ये 91 दूना होता है तो 13 सते 91, 91 दूना 182, 91 दूना होता है, 91 13 सते 91 होता है। अब सुनिए, 13 जा रहा है भोज खाने तो 13 तक पहुंच गया, 21 को पहुंचाना है, दोबारा कोई दूसरा 13 मत भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो आ चार और आठ में से कौन भाई जाएगा, तो सबसे बड़का भाई दो चार आठ में आठ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब बताइए सात वाला, तो सात वाला तो एक बात बताइए, इसमें सात में, सात में इसमें इसको कैसे लिख सकते थे, सात दूना चौदह लिख सकते थे, ई दू चौके आठ हो जाता, यानी आठ सते छप्पन, इसको आराम से यहाँ हम लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे आठ सते छप्पन, कि कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता, तो आठ तो भोज खाने चल ही गया, अब सात सात में सात चल जाएगा। अच्छा, दो की जरूरत नहीं क्योंकि आठ भोज खाने आ गया है तो हो गया। अब बताइए, ये आप गुना कर सकते हैं, तेरह अट्ठे एक सौ चार अगुने सात, तो सिंपल सात सौ अट्ठाईस, क्योंकि सात एक सात सौ, चार सत्य अट्ठाईस, सात सौ अट्ठाईस आपका हो गया, और ये हो गया ऑप्शन दो, ठीक है। चलिए एक बार इस सवाल को हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बार जब आपको बनाने आ जाएगा ना तो खूब आसानी से आप सोच लीजिएगा, आपको इसको ऐसे ही तोड़ना है गुणनखंड में कि उस गुणनखंड के बीच कोई कॉमन न हो, ऐसा ध्यान रखना है। तो इसको हम तेरह दूना छब्बीस, क्योंकि दो तेरह में नहीं होता है, कोई इसमें कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसको आठ सते छप्पन, तेरह अठे एक सौ चार होता है, तेरह के पहाड़ा आता होगा, और एक सौ बिरानवे, इक्यानवे दूना होता है, तो इक्यानवे कैसे होगा, तेरह सत्ते इक्यानवे, इक्यानवे दूना हो गया ना, इसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। भोज खाने तेरह का न्योता मिला है तो तेरह तक पहुंच गया, तो एगो तेरह पहुंच गया, और दो आठ आठ दो में बड़का भाई कौन है, आठ, तो आठ जाएगा, छोटका सा पहुंच गया, माने बड़का चल गया तो हो गया भोज में, साइकिल चला एक रे आता है तो यही ना जाएगा, छोटका सब तो कहेगा कि हम क्लियर पर चढ़ के जाएंगे, ये नहीं जाएगा, एकड़ा नहीं ले जाएगा। अब बताइए सात और सात में, एगो सात चल गया, हो गया आपका ये तेरह अठे एक सौ चार, एक सौ चार गुने सात, सात सौ अट्ठाईस, आपका आंसर तैयार है भैया, सात सौ अट्ठाईस ऑप्शन दो। इतना आसान कभी नहीं एलसीएम था जितना आसान अभी मैंने आपको बना दिया है। सुन लीजिए अगला, देखिए आता जो मेथड से आप पढ़ते थे आपका दिमाग चकरा जाएगा, सुनिए, अट्ठाईस पैंतीस
56 84 का एलसीएम। सीखिए जरा, ये सारे सवाल पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो 7 चौके 28 लीजिए, 7 चौके 28 इहो टूट जाएगा, 7 5 35 आए, 7 8 56 आए, 12 7 84 होता है, 12 7 84। 7 के निमंत्रण मिल गया था, 7 पहुंच गया, 4 8 में कौन चल जाएगा, 4 और 8 में कौन चल जाएगा, था 8 चल जाएगा, हो जाएगा। अच्छा एक बात, ये 84 है, अब 12 12 7 84 एक बात तो ठीक है, अब 12 में नहीं तोड़ के इसको हम 3 चौके 12 तोड़ देंगे, तो ऐसे तो हो गया कि 4 8 4 पहुंच गया। मैंने आपको कहा है कि इसी के टेबल में लेना है, 2 3 5 7 9 इसी के टेबल में लेना है, ठीक ना, इसीलिए 12 को हम 3 चौके 12 लिख दिए, 2 3 5 7 9 लिखना है। अब सुनिए, 8 हो गया, 8 तो पहुंच गया था, 4 भी पहुंच गया, अब कौन बचा आपका, 1 5 बचा, 1 3 बचा, तो 5 बचा और 3 बचा, ऐसे 9 रहता तो 3 को आने की जरूरत नहीं, केवल 9 आता, अब हो गया आपका काम खत्म। 8 5 41 हुआ, 7 21 हुआ, 21 चौके 84 होता है, 1 0, 840 आपका आंसर हुआ। इतना आसान कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये तो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन वाला जब है एलसीएम से अपना, तो फ्रैक्शन वाला में तो सिंपल क्या काम करना होता है भैया, कि जो चीज बनाना है ऊपर में बनेगा, जैसे एलसीएम बनाना है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम 3 6 9 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 18, और इसका तो एचसीएफ 4 7 8 कोई कॉमन नहीं है, 1, यानी 18 बटा 1 18 हो जाएगा। फ्रैक्शन वाला का एक अलग हम वीडियो बना देंगे, हालांकि हो गया, फ्रैक्शन वाला में कुछ करना नहीं है। अच्छा इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, जैसे आपका जो आ रहा है अगला सवाल, इसमें है 2 3 7, इसमें कोई कॉमन कहीं कुछ टूटने वाला है नहीं, तो गुना कर दीजिए, 2 3 6 6 7 42 यही आपका आंसर हो जाएगा। जब कुछ टूटने ही वाला नहीं है तो बस गुना कर लीजिए। सवाल बढ़िया सा आ गया आपके सामने, सवाल क्या है कि 56 84 112, 56 84 112। दोस्तों 8 7 56 टूटेगा क्या, हाँ ये 2 के पहाड़ा वाला हो गया, माने 2 के बड़का भैया हो गया ना, ये 7 हो गया, 84 12 7 84, तब 12 7 84 3 चौके 12, अब 12 7 84 112, 56 दुना होता है, तो 8 7 56 56 दुना 112, देखिए तो कितना आसान हो गया। 8 को निमंत्रण मिला, 8 जाएगा तो 4 चलिए गया, 8 पहुंचिए गया, 2 पहुंचिए गया, माने 8 पहुंच गया तो हो गया, 7 7 7 7 पहुंच गया, 3 कहता है हमर कोनो बड़का भाई ना है, हम तो जाएबे करेंगे, हमारा घर से कोई ना कोई तो जाएगा, 9 रहता तो हम न जाते, लेकिन ऐसे तो हम जाएंगे, तो 8 7 ये कितना हो गया आपका 56, आ 56 3 कितना होता है 36 18 के 8 हासिल, 1 5 15 आ 1 कितना 16, यानी 168 आपको हो गया इसका, ठीक है 168। चलिए अगला बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, 34 51 68, इसका लसा ज्ञात करने के लिए कहा है, लसा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये कुछ दिक्कत है नहीं, 34 2 9 68 इसमें तो हो भी करता है, मतलब क्या कि इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चलिए 17 2 9 34, 17 51, 17 51 और 17 64, तो 17 के निमंत्रण पर आ 17 पहुंच गया भोज खाने, 2 कहता है कि 2 और 4 में, 4 कहता है हम बड़का भाई होते हम ही जब तू न जब ही, आ 3 कहता है 3 हम तो अकेले हैं, हमारा पहाड़ा वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे, छोटके हैं तो का हम जाएंगे, हमारा घर में कोनो बड़का ना है भोज खाए जाए वाला, तो इस 17 × 4 = 12 लीजिए, तो 12 7 आप इसको कर दीजिए, 12 7 84 के 4 हासिल 8, आ 12 1 12 12 आ 8 कितना होता है 20, 204 आपका 204 हो गया, यहां पर हो गया आपका 204 ऑप्शन 2 हो गया ना। चलिए अगला पर आइए, क्वेश्चन देखिए जरा, 37 111 और 148, पसीना छोड़ा देगा इसे बनाते तक, 37 11 148, सुनिए 37 से, 37 से देखिए 37 से क्या है ना,
है आपका 37, एक कम 37, ये तो बुझा रहा है 37 तियाई, क्योंकि सतियाई कई सा तीन तीन दू ग्यारह आई 37 चौके बुझा रहा है, देखिए 7 चौके 28, 4 ती 12 2 14, तो 37 के तो निमंत्रण मिला, तो 37 भोज खाने पहुंचा, एक को जाए या ना जाए कोई दिक्कतें नहीं है। ये तीन कहता है हम तो जैबे करेंगे, मेरे पहाड़ा वाला कोई नहीं जा रहा है ये नहीं है, हमारा खानदान में हम अकेले भोज खाने जाने वाले हैं, और चार को तो जाना ही पड़ेगा, 4 3 12, यह देखिए 37 × 12 गुना कर दीजिए भैया, 12 × 7 = 84 के 4 × 8 अब 12 × 3 = 36 + 8 = 44 यानी 444 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 में, बिल्कुल आसान है। इतना आसान कुछ था क्या दुनिया में, इससे आसान कुछ है ही नहीं पढ़ाई लिखाई में। सुनिए अगला, ये अगला देखिए, ये अगला क्या कहता है कि 12 18 21 28 इसका लघुत्तम समापवर्तक, ए सुनिए 12 है तो दूना दू 12 है ना, 3 × 12 तोड़िए, 2 × 12 मत लिखिए, क्योंकि 2 × 12 लिखिएगा तो 2 और 6 में कॉमन हो गया कि 6 में भी 2 होता है, इसलिए नहीं, या तो 2 के खानदान वाला होना चाहिए, 3 के खानदान वाला होना चाहिए, ऐसे तोड़ना है। तो 12 को 3 × 12 ये 3 के खानदान वाला, 2 के खानदान वाला आ गया, 18 में दूनामा 18 2 के खानदान वाला, 3 के खानदान वाला, आई 3 × 7 = 21 हो गया, 28 में देखिए 4 × 7 = 28 लिख सकते हैं। अब जब निमंत्रण पड़ेगा भोज खाने जाने के लिए तो 3 कहते हैं हम तो जाएंगे, तो 9 डांट देता है हथोरा से बड़ हती हूँ हम जब तो 3 नहीं जाता है बेचारा, 9 चल जाता है तो 3 समझिए कि पहुँच गया। अब आगे आइए 4 वाला में 4 जाएगा, अब बचा है 7 में, तो वो 7 चल जाएगा, तो ये 9 × 4 हुआ 36, और 36 × 7 कितना होता है 7 × 6 = 42 के 2 + 4 और 7 × 21 = 4 कितना होता है 25, 252 252 है भैया यहाँ पर 252, तो बी विकल्प किस में है, बी विकल्प है ऑप्शन 4 में, है ना, ऐसे आपको जवाब देना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, आई खत्म हो गया, इतने देर में हम आपको 9 को क्वेश्चन पढ़ा दिए, है ना आसान, बिल्कुल आसान लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अच्छी ट्रिक के साथ। हाँ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और धुरीना एप्लीकेशन पर अगर आप चाहते हैं क्लास को ज्वाइन करना, और मात्र अभी ऑफर मैंने दिया है एकदम धमाका वाला ऑफर है, 251 रुपया में पूरा कंप्लीट मैथ का आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, और पूरा कंप्लीट मैथ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ धुरीना एप्लीकेशन पर जाकर वीडियो आपको मिलेगा, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, 251 रुपया में पूरा मैथ आराम से आप सीख सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पर, अभी डाउनलोड करिए, कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है वीडियो को पूरा देखिए पता चल जाएगा।